सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के A53 डिवाइस के बारे में और इसके फ्यूचर अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पता है, ओप्पो के ऐसे बहुत सारे मिड रेंज डिवाइस है जिनके अंदर आपको कलर OS 11 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो बीटा अपडेट है जो कि यहाँ पे रोल आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिनको की अपडेट है, स्टेबल अपडेट है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के A53 डिवाइस को कलर OS 11 बेस्ड और एंड्रॉइड 11 का जो बीटा अपडेट है या फिर स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पे कब तक देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप लोग एक ओप्पो A53 डिवाइस के यूजर हैं तो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलर OS 11 अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पता है, बहुत सारे ऐसे मिड रेंज डिवाइस है जिनके अंदर आपको अपडेट है, बीटा अपडेट और यहाँ तक कि स्टेबल अपडेट भी यहाँ पे रोल आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। सो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सही से तुम्हें बताओ कि ओप्पो A53 जो डिवाइस है इसके अंदर हमको कलर OS 11 का जो बीटा अपडेट है या फिर स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पे कब तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग यहाँ पे पता है, आप लोगों को ओप्पो का जो रोल आउट शेड्यूल है ग्लोबल और इंडिया के लिए, उसके अंदर आपको ओप्पो A53 डिवाइस का जो नेम है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर है, उनके ये डाउट्स भी है कि इस डिवाइस के अंदर कलर OS 11 अपडेट आएगा या फिर नहीं। सो इसका आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके डिवाइस के अंदर कन्फर्मली कलर OS 11 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पे कन्फर्मली देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। क्योंकि अगर हम बात करें ऑफिशियल डेट के बारे में, तो वैसे तो ओप्पो की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो कि यहाँ पे नहीं की गई है। जैसा कि आप लोग इधर साइड स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आज ही 10 से 15 मिनट पहले ओप्पो के जो मॉडरेटर्स हैं उनसे यहाँ पे बात की है चैट सपोर्ट पे, व्हाट्सएप सपोर्ट पे, तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई भी ओप्पो के जो डेवलपर्स हैं उनकी ओर से कोई आंसर यहाँ पे नहीं आया कि कब तक आपको अपडेट है जो कि यहाँ पे दिया जाएगा। सो आपको बीटा अपडेट ना मिलकर डायरेक्ट यहाँ पे स्टेबल अपडेट है जो कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसी ओप्पो A53 डिवाइस के अंदर। और अगर हम बात करें स्टेबल अपडेट आपको कब तक देखने को मिल सकता है, सो Q2 है, Q2 तक तो आपको ये अपडेट नहीं मिलेगा, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक ये अपडेट नहीं मिलेगा। जुलाई से ये जो अपडेट है, जुलाई के मंथ में आपको ये अपडेट है जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसी ओप्पो A53 डिवाइस के अंदर। और जब भी अपडेट है जो कि यहाँ पे रिलीज होगा, और कोई नई न्यूज है जो कि यहाँ पे सामने निकल के आएगी फ्यूचर में ओप्पो A53 डिवाइस के रिलेटेड, तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।